कि जगत जननी माँ जगदम्बिके महिमाय अपरंपार बा, कि सबसे प्यारा सबसे न्यारा सजल मैया रानी के दरबार बा। आप सबके तमाम में जितनी भी उपस्थित हमारे जनता जनार्दन है, गाने की फरमाइश बहुत ज्यादा आई है, लेकिन धीरे धीरे सारे गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी जैसे जैसे आप लोगों की फरमाइशें होगी। आइए मैया रानी के भजन में कहना है क्या कि सैया के दे देलू नौकरी, हमरा के दे देलू बेटा, कि सैया के दे देलू नौकरी, हमरा के दे देलू बेटा। क्योंकि चुनाव का भी माहौल चल रहा है ना जी। काफी लोगों की फरमाइश थी, मैं 1.5-2 महीना हो गया था मुझे दिल्ली गए हुए, 2 महीना से मैं बिहार में थी नहीं, कई सारे कार्यक्रम मेरा पेंडिंग में था, कई लोगों का कॉल भी आया मोतिहारी से चुनाव के लिए प्रचार के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाई। लेकिन आज उपस्थित हूँ आप सबके बीच में। बड़ा खुशी होता है जब कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है, औरत अपने मैया रानी के दरबार में जाकर के पूरा श्रेय मैया रानी को देती है और कहती है क्या कि सैया के दे देलू नौकरी, हमरा के दे देलू बेटा। अंश जरा इधर आओगे, एक बात बताऊं आप लोग को हंसी आएगी, जो नहीं जानते हैं वो इसको जानते क्या बोलता है। अंश तुमको हमारा क्या बोलता है, लो तुम मेरे कौन हो? मैं दीदी, मैं आपका भाई हूँ। तुम दीदी, मैं आपका भाई हूँ। मुझे सब कुर्सिया कलाकार कह रहे हैं। नहीं, कुर्सिया कलाकार तो तुम हो ही, खासकर जो नहीं जानते वो सब जानते कि निशा जी का बेटा है ये। जानते है ना जी। पहले दो बच्चे को और हमने हेल्प किया, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, उन लोगों का किस्मत था। आप लोग का बरअपन है कि आप लोग नाम लेते हैं। ये तीसरा ये है, तब कहते हैं कि निशा जी का ये तीसरा बेटा है, बताइए। लेकिन चलिए, कहा जाता है कि जब कोई किसी को मदद करे वो माँ के समान ही होता है। मदद आज के समय में कोई जल्दी किसी को करता नहीं है, स्वार्थ की दुनिया है। जब अंश हो गया है, अंश की मम्मी दरबार में जाती है, कहती है तुम्हारी मम्मी कि सैया के दे देलू नौकरी, हमरा के दे देलू बेटा, आ बनाई देलू मैया Oh,
बताएं बहन कितनी मुस्कुरा रही है। अब बनाई देलू मैया ज़्यादा है कि गर्मी